हेलो दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं थिएटर में। अब मैं थिएटर में क्या बताने वाला हूं आपको कि थिएटर तक मूवी पहुंचती कैसे है। उसके अलावा प्रोजेक्टर रूम जो होता है, आपको पर्दे पे जो बड़ी सी पिक्चर दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती है, प्लस वहां कौन कौन सी मशीन्स होती है और वो क्या क्या काम करती है, तो हम जानेंगे आगे। उसमें आपको सिर्फ मशीन्स दिखाई देगी और मेरी वॉइस दिखाई देगी सुनाई देगी सॉरी, मैं आपको वहां नहीं दिखाई दूंगा। और लास्ट में मैं आपसे बात करूंगा कि फिल्म लगाने के कितने पैसे जो है वो खर्च होते हैं। तो चलिए फटाफट से पहले प्रोजेक्टर रूम जो है उसकी तरफ हम चलते हैं और समझते हैं कि प्रोजेक्टर रूम में क्या-क्या होता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा अपना प्रोजेक्टर रूम जो है थिएटर में वो दिखाई देता है। इसमें आपको सामने एक एसी दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, और कुछ मशीन्स पड़ी हुई है। ये मैं आपको बताऊंगा अभी आगे क्या-क्या काम आती है। सबसे पहले एक इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए ताकि आप मूवी जो आती है उसको डाउनलोड कर सके। तो ये इंटरनेट कनेक्टिविटी से आप यहाँ से कंप्यूटर को भी अटैच कर सकते हो और अपने प्रोजेक्टर और उसके साथ जो मशीन है उसको भी अटैच कर लेते हो। उसके बाद में ये बैकअप के लिए बैटरीज हो गई और यूपीएस हो गया, और यहाँ आपके पास में कुछ और मशीन्स होती है जो कि आपके साउंड को संभालती है कि आपको साउंड कैसा चाहिए। लेकिन मशीन को स्टार्ट करने से पहले और प्रोजेक्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको यूपीएस को रन करना जरूरी है। अब आप बोलोगे भाई यूपीएस को ऑन क्यों करें? अगर यूपीएस ऑन नहीं होगा तो आपको पावर बैकअप कैसे मिलेगा? एकदम से अगर चलती फिल्म में मूवी में अगर लाइट चली गई तो आपको पावर नहीं मिलने वाली है, फिल्म वहीं रुक जाएगी। इसलिए यूपीएस आपको 5-6 मिनट की पावर बैकअप दे देता है ये वाला, और ये छोटी बैटरी जो पड़ी हुई है, और फिर आपको उसी मीन टाइम में जाके और जनरेटर ऑन करना होता है। अब यूपीएस के काम करने के बाद ये मशीन जो है वो देखो ऑन होना शुरू हो जाएगी। आप इसको दबाओगे ऑफ, ये ऑन हो गई, ये इधर से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, ये सारी तभी काम करेगी। ये जो मशीन है ये जैसे यहाँ पे आपको 6 चैनल दिखाई दे रहा होगा, इसको ऑन करोगे तो ये रन करेगी आपके प्रोजेक्टर के साथ में। साउंड वही आएगा जो प्रोजेक्टर में चल रहा है। आप चाहो तो इसमें से एक यूं केबल निकाल सकते हो और अपने फ़ोन से या अलग से आप जो चाहो सिर्फ साउंड या म्यूजिक बजाना चाहते हो तो वो भी अंदर आपको सुनाई देगा। अब अपना जो ये प्रोजेक्टर है, सिंपल सा प्रोजेक्टर, बहुत छोटा सा होता है, लेकिन ये सामने अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये पर्दे तक लेके जाता है, आपकी इमेज को वहां पे शो करता है। अब यहां इसके पास में प्रोजेक्टर पे खूब सारे बटन होते हैं। अब आप अगर इसको ऑन करोगे, प्रोजेक्टर यहां से ऑन हो जाता है और थोड़ी देर बाद में आपको वहां पे अगर इमेज दिखाई देगी तो मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा यहाँ पीछे 2 बड़े फैन लगे रहते हैं। फैन का काम यह है कि अंदर लैंप लगे हुए हैं। अभी जैसे ये स्टार्ट होगा आपको लैंप दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो वो लैंप क्या है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट करते हैं, तो उनकी हीट जनरेशन को, उस हीट को ये जो पंखे हैं ये चलते हैं और बहुत गर्म हवा फेंकते हैं। खास करके जब मूवी चलती है तो गर्म हवा को वो बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए ये ज्यादा गर्म ना हो और जल ना जाए, इसीलिए हर प्रोजेक्टर रूम में एक एसी तो मिलेगी मिलेगी आपको, अदरवाइज ये काम ही नहीं कर पाएगा, ये जल जाने वाला है। तो ये सारा इसका काम रहता है। और एक छोटा सा ये ऐसा डिवाइस लगा रहता है, इससे आप जो है, अभी ये ऑन हो गया तो क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा इसके बारे में आइडिया नहीं है, तो इसके इस स्क्रीन के अंदर आपको शो की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन सी मूवी चल रही है। या आई थिंक प्रोजेक्टर ऑन हुआ नहीं है, पावर ऑन स्टैंड बाई दबा दिया था मैंने, सॉरी, अभी आई थिंक ऑन हो जाना चाहिए। हुआ तो है आई थिंक, हाँ। अब देखो आपको हल्की लाइट्स दिखाई देना शुरू होगी, आई होप आपको दिखाई दे रही होगी, और अंदर जो लैंप है वो जलेंगे और वो जो लैंप है वो सामने पर्दे के ऊपर पिक्चर डालेंगे। ये जो पर्दा है इसके ऊपर लैंप के चालू होने पे आपको सामने की तरफ एक इमेज दिखाई देगी। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये स्टार्ट हो रहा है। आप देखिए आपको पैनासोनिक बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब प्रोजेक्टर हमारा रन होना शुरू हो गया। अब प्रोजेक्टर के पास में मैं जो आपको बता रहा था, ये वाली मशीन जो है, ये आप जैसे ही स्टार्ट करोगे, ये कैसे स्टार्ट होती है, अब इसका ऑन ऑफ का बटन अपने को मिल नहीं रहा है, ये कहाँ से होती है, पर इसके अंदर आपको मूवी का नाम लिखा हुआ रहेगा और उसके शोज की जानकारी जो है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। आप इसको भी ऑपरेट कर सकते हो। कैसे करोगे, ये आगे कनेक्टेड रहता है उससे आप, और चाहो तो आप इन बटन से भी कर सकते हो। ये पॉज हो सकती है, चलती मूवी रोकना है, प्ले करना है, ये सारा जो है इससे कर सकते हो आप, ठीक है। तो एक बहुत छोटा सा सेटअप होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसके अंदर। लेकिन हीट ये देखो, अभी आपको बहुत अच्छे से प्रोजेक्टर के अंदर जो लैंप है वो जलते हुए दिखाई दे रहे होंगे।
तो बहुत छोटा सा काम है इसका, ज्यादा कुछ होता नहीं है। और सामने देखो ये पर्दा भी आपको ग्लो करता हुआ दिखाई देगा। इसलिए यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है यूपीएस। अगर यूपीएस काम नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं चलने वाला, रिस्क रहेगा। आप लाइट में चला तो सकते हो बट फिर रिस्क रहेगा कि कभी भी बंद हो सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सिस्टम के बारे में पता चला होगा। बहुत छोटा सा सिस्टम होता है, इसलिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग जो है एक नया थिएटर ओपन कर सकते हैं, इतनी सी मशीन सी तो लगती है, लेकिन ज्यादा खर्चा जो है वो इनका नहीं भाई साहब, इस चीज का आता है जो आपको नीचे दिखाई दे रही है। यहां खूब सारी चेयर्स लगती है, एसी का खर्चा, पर्दा वगैरह, बहुत सारा खर्चा जो है आपको इस पे करना पड़ता है लोगों के कंफर्ट के ऊपर। तो वहां खूब खर्चा है, फिर मेंटेनेंस वगैरह इन सब चीजों के ऊपर खर्चा आता है, ठीक है। तो अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूं कि अगर हम कोई मूवी लेना चाहते हैं तो उसका हिसाब किताब क्या रहता है। वेलकम बैक, और मुझे उम्मीद है कि आपको अंदर जो मशीन्स थी उनके बारे में पता लग गया होगा। और ये लाइट जो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रही है थोड़ा सा, उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देता हूँ। अब हम बात करते हैं कि फिल्मों में जो खर्चा आता है फिल्म लगाने में वो कितना होता है। पहले क्या होता था कि जब रील वाली पिक्चर लगती थी, पहले रील लगती थी और उससे प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाया जाता था। अब प्रोजेक्टर डिजिटल हो गए हैं, फिल्म आती है डाउनलोड हो जाती है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे पहले ही बात हो जाती है। तो अब क्या रहता है जनरली कि मूवी रिलीज होने के बाद में आपको तुरंत कोई पैसे नहीं देने होते। पहले 7 दिन जो है, जनरली ऐसा होता है मूवीज में कि पहले 7 दिन जो भी टोटल कमाई होगी आपकी टिकटों को बेच के, उसका 50% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहेगा और 50% जो है वो जो थिएटर मालिक है वो रखेगा। फिर 7 दिन पूरे होने के बाद में ये मामला आ जाता है 25% पे। अगले 7 दिन आपको सिर्फ 25% देने हैं डिस्ट्रीब्यूटर को और 75% रहेगा थिएटर ओनर के पास में। और अगर उससे भी ज्यादा मूवी टिकती है तो ये रेशियो जो है 12% के आसपास आ जाता है। 12% जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर को और बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है लगभग 88% वो रह जाएगा थिएटर के मालिक के पास में। और ये रेशियो जो है इस तरीके से सप्ताहवाइज जो है गिरता चला जाता है। अब कुछ मूवीज जो है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाती है तो उसमें जरूर थोड़ा ऊपर नीचे ये रेशियो हो जाता है, बट जनरली जो है जो मैंने आपको अभी बताया उस तरीके से ये काम करता है। पहले क्या होता था, रील लेके आनी पड़ती थी तो मूवीज पुरानी हो जाती या नई कोई खरीदता तो उसके खूब पैसे लगते थे। अभी भी जो बहुत ज्यादा डिमांड वाली मूवीज है उनमें थोड़ा ये रेशियो में फर्क आ जाता है, बट ये मैंने आपको जनरल एक आइडिया दिया है जैसा मुझे इन्होंने बताया कि भाई लगभग इतना जो है हमारा इसके अंदर रेशियो रहता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और आपको समझ भी आया होगा जो मैंने बताया होगा। और फिर भी कोई थोड़ा बहुत क्वेरी रहता है तो मुझे आप बताना कमेंट के अंदर, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। थैंक यू।